अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इतना तो आप कर ही सकते हो एक सेकंड का काम लगता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सबसे पहले स्केड्यूल के बारे में जी हाँ इंपॉर्टेंट है स्केड और फर्स्ट टूर्नामेंट है अंडर आर न्यू हेड कोच मनोलो मार्कस तो पहला मैच इंडिया वर्सेज मुरेशियस तीन सप्टेम्बर को होने वाला है दूसरा मैच जो है बिटवीन सीरिया एंड मुरेशियस है जो कि सिक्स सेप्टेम्बर को होने वाला है और जो फाइनल मैच होगा वो होगा बिटवीन इंडिया वर्सेज सीरिया जो कि नाइन्थ सितंबर को होने वाला है तो टोटल दो मैच ईज हर टीम खेलेगी इस टूर्नामेंट में अफकोर्स यस वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट और एक लैंडमार्क टूर्नामेंट हो सकता है फॉर मनल मार्कस बट थोड़ा सा यहां पे फैंस रिएक्शन दे रहे हैं थोड़ा सा खराब रिएक्शन दे रहे हैं बिकॉज जो 26 मेंबर की प्रिमिनरी स्क्वाड रिलीज की गई है उससे कुछ फैंस जो है नाखुश हैं तो ये नाखुश किस लिए है वो तो मैं एंड में बताऊंगा पहले हम लोग स्कॉड देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स को यहाँ पे लिया गया है और ऐसा रिएक्शन क्यों आ रहे हैं हमारे फैंस की ओर से तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गोलकीपर डिपार्टमेंट से तो भाई गोलकीपर डिपार्टमेंट में वैसे भी बहुत कम चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं और इस प्रोबेबल लिस्ट में जो है कुछ ज्यादा चेंजेस मुझे दिख रहे नहीं है पहला नाम है गुरुप्रीत सिंह संधु का इन इनमा ओपिनियन गुरुप्रीत सिंह संधु मतलब एक हाउस होल्ड नेम हो चुका है वन एवर वी टॉक अब प्रोबेबलिस्ट वन एवर ई टॉक अब टीम शीट प्लेंग इवें हो गुरी सिंह संधु जो है टॉप नॉच रहते हैं वहाँ पे क्योंकि यार देखो द थिंग इज हीज लॉस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफकोर्स येस एंड ऊपर से आई एस एल में उनका परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होते रहता है वैसे तो मतलब हर प्लेयर का ही हमारा सीन ऐसा है इंडियन फुटबॉल टीम का बट गुरप्रीत सिंह संधु ऑफकोर्स एक्सपीरियंस एक्सपोजर एंड ऊपर से ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स फॉर इंडिया फॉर इंडिया की बात हो रही है ठीक है तो आई थिंक दैट्स उनका नाम जो है अव्वल नंबर पर रहता है अमरिंदर सिंह हैज बिन वन ऑफ बेस्ट सेकेंड गोलकीपर फॉर इंडिया नाउ इंडियन टीम में दोनों का परफॉर्मेंस मैं वॉच नहीं करूंगा स्पेशली अंडर इगोस्टी मैच तो आर ऑफकोर्स यस आई विल बी नॉट वॉचिंग फॉर इधर ऑफ दिस गोल कीपर्स बट अगेन एक्सपीरियंस एक्सपोजर एंड अपने रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए इंडियन सुपर लीग में अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देना दैट हैज बिन दिया एमओ तो दैट्स वाई उनको जो है यहां पर बार बार जगह मिल जाती है हमारी प्रोबेबल लिस्ट में हो या फिर प्लेइंग लेवन में हो तो भाई इस लिस्ट में थर्ड है प्रभशुकन गिल

प्रभुकन गिल के स्टैट्स बेहतर हैं विशाल केत से बट मुझे नहीं लगता कि इसी बेसिस पे प्रभुकन गिल को वहां पे लिया गया है आई थिंक मनोलो मार्कस इज थिंकिंग समथिंग एल्स ओवर है श्योरली प्रभु गिल को जो है नर्चर किया जा सकता है उनको बहुत सही तरीके से घूम किया जा सकता है बट वहीं पर आई थिंक कहीं ना कहीं विशाल केय डिजर्व अ स्पॉट इन दिस प्रोबेबल लिस्ट या फिर आप बोल सकते हो जो मेन लिस्ट है उसमें विशाल केत को मौका मिलना चाहिए था इट्स हाई टाइम दैट वी मूव ऑन फ्रॉम यू नो सिंह संधू एंड अमरिंदर सिंह तो आई थिंक द न्यू क्रॉप लाइक प्रभुकन गिल हो गए विशाल कैथ हो गए दे शुड बी गेटिंग लॉट ऑफ गेम टाइम प्लेइंग टाइम बट अगेन अगर मैं कोच के हिसाब से सोचूं तो फेज आउट करना पड़ता है आपके ओल्डर प्लेयर्स को आप एकदम से ओल्ड प्लेयर्स को निकाल नहीं सकते तो so मे भी अमरिंदर सिंह हो या गुरुप्री सिंह संधु हो इनका एक फेज आउट टाइम अभी फिलहाल चल रहा है हो सकता है अगर इनके परफॉर्मेंसेस जो है अच्छे ना रहे तो आने वाले वक्त में इट विल बी प्रभुकन गिल एंड विशाल कैथ तो दे विल बी फेस्ड आउट स्लोली नॉट एकदम से इमीडिएटली नहीं किया जाएगा इनको तो मे बी द रीजन बट अगेन को इन्वॉल्व किया जा सकता था बट हो सकता है ने कुछ और भी देखा होगा प्रफु खनगिल को एंड इज इन दिस प्रोबेबलिस्ट तो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट द डिफेंडर्स राइट नाउ देखो भाई डिफेंडर्स में निखिल पुजारी अगेन परफॉर्मेंसिस उतने खास नहीं रहे उनके बेंगलुरु एफ के हो या फिर इंडिया नेशनल टीम के लिए हो दर्फॉर्मेंस इज फेडेड आउट बट अगेन यू डोंट हैव अ प्रॉपर यू नो बैकअप फॉर हिम अमर राानावड़े इज देर बट अमेर राणावाड़े का अभी क्या सीन चल रहा है इफ इज इंजर्ड बिकॉज आई हर्ड लास्ट टाइम आउट ही हैड नाउ आई डोंट नो कि भाई उनको ये लिस्ट में क्यों नहीं लिया गया हो सकता है मार्कस अगेन ट्राइंग टू फेस आउट निखिल पुजारी या फिर हो सकता है कि निखिल पुजारी को वो ऑलरेडी ग्रूम कर चुके हैं इन हैदराबाद एफसी एंड उनके प्लेइंग स्टाइल को निखिल पुजारी बहुत सही तरीके से सूट कर सकते हैं तो दैट इज वाई मे भी हो सकता है निखिल पुजारी को जो है रखा गया है राहुल भेके इस दर अफकोर्स मुंबई सिटी के लिए बहुत बढ़िया खेले थे राहुल भेके एंड मुझे नहीं लगता कि भाई राहुल भेके का इंक्लूजन नहीं होना चाहिए इस टीम में कुछ लोग बोल रहे थे कि राहुल भेके का इंक्लूजन नहीं होना चाहिए बट ही हैज बीन अ लीडर फॉर मुंबई सिटी एंड ऑल्सो अभी वो बेंगलुरु एफ सी में वापस आए हैं तो यार कहीं ना कहीं आई फील दैट राहुल भेके नीड्स गेम टाइम इन दिस इंडियन फुटबॉल टीम फॉर ऑन करंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं नॉट नॉट द प्रीवियस वन बिकॉज मैंने भी जो है बहुत बार राहुल बेके आउट किया है बट यार अगर आप करंट फॉर्म को मद्देनजर रखते हो तो मेरे हिसाब से यार राहुल बेके की जगह तो बनती है नेशनल टीम में फिलहाल के लिए आई आई एम एम नॉट नॉट टेकिंग बट अभी फिलहाल के फॉर्म की बात करें तो राहुल बेके इज गिविंग यू अ प्रॉपर बैकअप एट द राइट सेंटर बैक पोजिशन ऑल्सो एंड राइट बैक पोजिशन ऑल्सो सो वी नीड अ प्लेयर हु कैन प्ले मल्टीपल पोजिशन राइट तो अभी आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सना सिंह की सना सिंह को यहाँ पे लिया गया अगेन लास्ट दो टूर्नामेंट में हमने सना सिंह को नहीं देखा था सना सिंह का मेरे ख्याल से यार लास्ट टूर्नामेंट में तो उनकी जगह बनती थी आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स क्वालिफाइंगस टाइम जहाँ पे हम लोग कुवैत के साथ में कर दिए थे काम उसके बाद अफगानिस्तान के साथ में भी किए थे काम तो आई थिंक वो स्क्वाड में जो है सना सिंह की जगह बनती थी बट वहाँ पे उनको जगह नहीं दिया गया मौका नहीं दिया गया तो यहाँ पे इस कॉड में उनको मौका दिया गया है लेट्स सी उनको कितना गेम टाइम मिलता है

यहाँ पे किस बेसिस पे मौका दिया गया है वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको बट कहीं ना कहीं आई फील मेहताब सिंह के जो परफॉर्मेंस रहे हैं मुंबई सिटी में भी उतने कुछ खास नहीं रहे हैं तो एक थोड़ा सा ये एक इंक्लूजन डिसअपॉइंटिंग है आई होप सो ही प्लेस बेटर इन दिस टूर्नामेंट एंड वो प्रूव करे अपने आप को एंड श्योरली मेरा मुंह बंद करवाए आगे बात करेंगे हम लोग हमारे मिडफील्डर्स के बारे में तो यहाँ पे सुरेश सिंह वांगजम ऑफकोर्स इनका इंक्लूजन कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए जिक्सन सिंह है वेरी गुड एडिशन ंद कुमार शेखर है अफकोर्स ही ब्राइटेस्ट गाय इन दैट लास्ट मैच ऑफ नो प्राउंड फॉर दी नो ए सी एल टू वॉज वेरी गुड इन दैट मेरे को एक ही बंद सही लगा उस मैच में ठीक है आगे महेश सिंह नोयरम है वॉज नॉट दैट ब्राइट इन दैट मैच बट लेट सी इंडिया के लिए ऑलवेज जब भी इंडिया की जर्सी पहनते बंदा फाड़ता है ठीक है यासिन मोहम्मद को मौका दिया गया है यार यासिन मोहम्मद को भी मौका दिया गया दैट ग्रेट अपूया है

तो कहीं ना कहीं यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कियान की टेक्निकल अवेलेबिलिटी देखोगे और फॉल्स नाइन में क्योंकि मनोलो मार्कस फॉल्स नाइन को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने सिस्टम में तो मुझे लगता है कि उसी चीज के लिए यहाँ पे कियान नैसरी को लिया गया है और अभी ब्रैंडन नहीं है अभी विक्रम प्रताप नहीं है तो एक बहुत ही बढ़िया मौका है कियान के पास में अपनी प्लेस को सीमेंट करने के लिए इस इंडियन नेशनल टीम में तो वो तो देखने लायक होगा कि कियान नैसरी को अगर मौका दिया जाए तो कितना अच्छा वो इंडियन नेशनल टीम में खेलते हैं एडमंड को यहाँ पे फिर से एक मौका मिला है ग्रेट एयर आई वुड रियली लव टू सी हिम शाइन इन दैट ब्लू कलर मनवीर सिंह अगेन मनवीर सिंह टैक्स अभी इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं कुछ बोलता हूँ तो कुछ फैंस हैं जो आते हैं यू नो मेरे मैसेजेस में बोलते हैं कि यार आई एम बींग वेरी डिसऑनेस्ट अबाउट मनवीर सिंह एबिलिटीज आई डोंट नो वॉट एबिलिटीज आर दैट बट स्टिल आई एल बी नॉट सी एनीथिंग बट हो सकता है मनोलो मार्कस यहाँ पे मनवीर सिंह कुछ पोटेंशियल देखते हैं again, I could say कि भाई किसी और एड किया जा सकता था यहाँ इस पे इस पोजिशन पे बट अगेन लेट सी लिस्टन कोलासो का यहाँ पे मौका मिला है तो लिस्टन कोलासो क्या, क्या क्या करते हैं इस स्कॉड में वो तो देखने लायक रहेगा एंड वैसे भी ब्रांडन एंड विक्रम के बारे में बड़े क्वेश्चन आ रहे थे तो मैं बता दू ब्रांडन एंड विक्रम आर रिकवरिंग फ्रॉम इंजरीज दोनों प्लेयर जो है अभी रिकवर कर रहे हैं अपनी इंजरीज से एंड दैट्स वाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्कॉ उनको रिस्क नहीं किया गया यहाँ पे अफकोर्स यस तो दैट्स वाई आई गेस दे आर नॉट नेम्ब इन दिस प्रोबेबल टीम लिस्ट तो लेट्स सी भाई यहाँ पे आई वुड से अ बिग बिग चांस टू एडमंड एंड किया एंडसरी भाई दो बंदों के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे मेरे नजरे रहेंगे अफकोर्स यस यू आर एक्साइटेड ऑल्सो मेरे ख्याल से क्योंकि ये दोनों प्लेयर जो है वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टैलेंट इन इंडिया राइट नाउ

करो, करो आई मीन लाइक व्हाट्सएप ग्रुप को एंड चेकआउट I mean like uh, करते रहना भाई, ऑफ ओवर तो है आपको धमाकेदार जर्सेज मिलने वाले हैं विध मिनिम प्राइजेस टू चेक आउट डिस्क्रिप्शन और ऐसे ही प्यार देते रहना मेरे चैनल को मिलते हैं अगले वीडियो में